आज हम डोनट की रेसिपी तैयार करेंगे, लेकिन इसे हमने मैदा से नहीं लेकिन मटन के खीमे से तैयार किया है। तो आज हम मटन कीमा डोनट तैयार करेंगे। अक्सर खीमे से ना हम बहुत सारे कबाब की रेसिपी बनाते हैं और इसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग हटकर बनाते हैं ताकि बच्चों को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा ना, तो ये डोनट आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटन कीमा डोनट बनाने के लिए सबसे पहले 300 ग्राम मैंने बारीक वाला मटन का कीमा लिया है। जितना पीस सकते हैं ना उसे पीस लीजिएगा। अब इस तरह से अगर चर्बी है ना तो उसे जरूर से शामिल कीजिएगा, अगर ना हो तो कोई परेशानी नहीं है। मैं आगे आपको वीडियो में शो करूँगी कि आपको क्या करना है। चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच भरकर। इसके बाद एक चम्मच भरकर हमने कच्चे पपैये का पेस्ट लिया है, इसे छिलके के साथ ही हमने पीस लेना है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज की ऑनियन लेना है, इसे कद्दूकस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमने निकाल देना है। ये हमें ड्राई ही चाहिए, हमें गीला नहीं चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गीली वाली लाल मिर्च, आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं। अब इसके अंदर अब हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे बारीक टुकड़ों में चॉप करके। आधा लेमन जूस ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया था और अच्छे से भून के इसमें डाल देना है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। आधा छोटे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच भरकर, और आधा छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, और आधा छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। और सबसे लास्ट में हमने घी ऐड करना है 2 चम्मच। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप घी और बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से बाइंडिंग आती है और जो हमारे डोनट है ना वो भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब बारी आती है इसके मिक्सिंग की। तो इसे हाथों से बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक कि सारे जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं ना वो खीमे में एक छान ना हो जाए। तब तक हमें इसे मिक्स करना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मिक्स करने के बाद इसके बीच में इस तरह से थोड़ी सी जगह कर लेंगे और जलता हुआ चारकोल इसमें डाल देंगे, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, और इसे फौरन ढक दें ताकि जितना भी स्मोक है ना वो अच्छे से खीमे में आ जाए और बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर वाला हमारा खीमा तैयार हो जाए। अब यहाँ पे देखिए पूरा स्मोक जो है ना वो अच्छे से ख़त्म हो चुका है। तो अब इसे निकाल ले, अब हम इसके डोनट तैयार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मैंने डोनट तो तैयार कर लिए हैं, लेकिन जब मैं उसका शूटिंग कर रही थी ना डोनट कैसे बनाया है मैंने, वो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो ये मैं आपको बताना रह गया है मेरा। तो देखिए इस तरह से आपको सिंपल टिक्की ही बना लेनी है और बीच में फिंगर से आपको इस तरह से बड़ा सा हॉल कर लेना है। और जब आप इसकी टिक्की जो बना रहे हैं ना तो इस तरह से थोड़ी सी बड़ी बनाइएगा और हॉल भी फिंगर से इस तरह से बड़ा ही कर लीजिएगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं, आप आराम से इसे बना लेंगे। अब क्या करें, जब भी कैमरा मेरा ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे मुझसे हो जाता है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि इस तरह से छलनी लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इस तरह से डस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी फ्राई करने में इसे कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से डोनट हमारे अंदर तक कुक होंगे, क्योंकि हमें इसको मीडियम आँच पर ही कुक करना है। ज़्यादा हमें स्लो करेंगे तो हमारे डोनट टूट जाएंगे, और ज़्यादा हाई पे करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसे बचने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे, इस पर इस तरह से छलनी से हम अच्छे से इसे डस्ट कर लेंगे तो इसे पूरे बॉर्डर पे भी लग जाएगी और अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, इसे हमने सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो देखिए ऐसे ऑयल जैसे ही गर्म होता है ना तो इसे गैस की फ्लेम ना मीडियम कर लेना है, और मीडियम करके इस तरह से 1 बाय 1 डोनेट को हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसे जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, 1 मिनट के बाद ही आप इसे टर्न कीजिएगा। और बिल्कुल सावधानी से, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं जब ये फ्राई होते हैं ना, तो बस इस तरह से थोड़ी सी सावधानी से आप इसे टर्न कर लेना। लेकिन हाँ, इसकी गारंटी है कि आपके जो ये मटन की डोनेट है ना वो टूटेंगी नहीं, और अच्छे से क्रिस्पी करारे होने तक इसे हमें कुक कर लेना है। ये देखिए अंदर से ऑयल ऊपर तक आता है ना, तो इस बीच का जो पोर्शन है ना वो भी बहुत अच्छे से कुक होता है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता, इसलिए इसका प्रोसेस है ना थोड़ा सा स्लो है और 4 से 5 मिनट का वक्त लग जाता है इसे अच्छे से कुक होने में। और देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये मटन का डोनट है ना वो पूरी तरह से कच्चा होता है, इसीलिए हमें इसे स्लो आँच पर ही अच्छे से कुक करना होता है। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और चलिए अब ये हमारे मटन के डोनट बिल्कुल बनकर तैयार ही, इसे हम सर्व कर लेते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में।
तो चलिए फिर, यहाँ पर रेडी हो चुका है मटन की खीमे का डोनेट। अगर आप खीमे के कबाब से हटकर कुछ अलग बनाना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आएगा और बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि वो डोनेट की शेप में है ना, तो वो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मटन डोनेट की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप कबाब की और भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।